शीर्ष संवाददाता ने सुनाते हैं आपको। हम इस समय मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में, चुनाव का डंका शुरू हो गया है। बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा और समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर मैदान में आ चुके हैं। किसका पलड़ा भारी अभी जानने के लिए हम लोगों की राय लेने पहुंचे हैं। हमारे साथ हम इस समय मौजूद हैं दादरी में, जहां लोगों की हम राय लेंगे, हम पूछेंगे, हम जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी से हैं और समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर आए हैं। क्या महेंद्र नागर डॉक्टर महेश शर्मा को टक्कर दे पाएंगे? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की जो सीट है, इस पर डॉक्टर महेश शर्मा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं, और जो भारत की पांच बड़ी जीतें होंगी उनमें गौतम बुद्ध नगर का नाम अवश्य होगा, ये आज हम आपको बता रहे हैं। मोदी जी का जलवा गांव से लेकर शहर तक, गलियों में, सब जगह चल रहा है। लोगों का कहना यह है, मैं तो बम्बावड़ गांव में था, एक महिला ने कहा वोट उसे देंगे जो हमें खाने को दे रहा है। आजाद भारत के इतिहास में क्या आप प्राचीन भारत में चले जाइए, सम्राट अशोक के बाद अगर अन्नदान करने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है शासक ने, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके फलस्वरूप कितनी योजनाएं उन्होंने देश में लागू की है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। आप हाईवे देख लीजिए, हाईवे का जाल देख लीजिए, आप नहरों का जाल देख लीजिए, जो छोटे स्तर के काम हो सकते हैं लोगों के बीच में, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उसके बल पर। और अगर अब मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व के सबसे ताकतवर नेता है महेश शर्मा के, कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई। 27 लाख मत है, 10 लाख से ज्यादा वोटर्स जीतने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ थे सुनील शर्मा जी, अब हम जानते हैं, सीनियर सिटीजन है, काफी तजुर्बा रखते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो, डॉक्टर महेश शर्मा भी गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा में उतर चुके हैं और महेंद्र नागर भी समाजवादी पार्टी से उतर चुके हैं, तो किस तरीके से आपकी क्या राय है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखो, यहाँ पर तो पलड़ा भारी तो महेश शर्मा का ही रहेगा, क्यों, मोदी जी की ऐसी छवि बनी हुई है। अब उन्होंने लोगों के लिए वो काम किए हैं जिनको लोग सराहनीय करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी, उसकी टक्कर का कोई नहीं है, भारी मतों से जीत हो रही है। अच्छा, पहले भी डॉक्टर शर्मा जो यहाँ से जीते थे, तो अब की बार भी लगता है कि भारी मतों से जीत हो पाएगी? बहुत अच्छी वोटों से उनकी जो सीट निकलेगी। गौतम महेश शर्मा जी भी मैदान में है और महेंद्र नागर जी भी, क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखो सर, पलड़ा तो भारी महेश शर्मा का ही आ रहा है मोदी के कारनामों से, बाकी टक्कर डॉक्टर महेंद्र नागर भी देंगे, वो भी समाजवादी पार्टी से अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वो महेश शर्मा के साथ। ये डॉक्टर महेश शर्मा चौथी बार के प्रत्याशी हैं, दो बार विजयी रहे और तीसरी बार भी विजयी होंगे। गौतम बुद्ध नगर में लगभग, जैसे कि शर्मा जी ने बताया था, 27 लाख वोट है और उसमें से 60% वोट पड़ जाएगा, तो 10% वोट मैं मानता हूँ कि अदर पार्टियों के लिए चला जाएगा। लगभग 14 लाख से डॉक्टर महेश शर्मा से विजयी हो जाएंगे। युवा यूथ को जो है ज्यादातर बीजेपी ही पसंद आती है, और उनमें जो कहते हैं आजकल जो कार्य हो रहा है लिखाई का, पढ़ाई का, उसमें जो बीजेपी ने भी बहुत काम किया है। और तो डॉक्टर महेश शर्मा जो है उनके लिए, जैसे समाजवादी पार्टी के महेंद्र नागर जी आए हैं, तो किस तरीके से पलड़ा भारी किस तरह रहेगा महेश शर्मा के खिलाफ? महेंद्र नागर जी का अभी इधर युवा में इतना ज्यादा वो नहीं है, मत नहीं है। अभी महेश शर्मा को वोट मिलेंगे, वो सिर्फ मोदी जी के कारण मिलेंगे नहीं, महेश शर्मा भी जीरो ही है, क्यों, वो अपने मतदाताओं से संपर्क बना के नहीं रखते, अपने घर बैठे रहते हैं, फॉर्म करने वाले वह भी नहीं है। अब तक फॉर्म करने वाले तो किसी पार्टी को कोई कैंडिडेट ही होता है, जहां तक दोनों की चुनाव में तो दोनों एक सही है, पर मोदी जी की वजह से इनका पड़ा भारी है। टक्कर तो मोदी की वजह से नहीं दे पाएंगे, मगर ज्यादातर ये है कि वो इतनी भारी बहुमत में भी नहीं आ पाएंगे कि भाई एक तरफा जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि युवा जो है समाजवादी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग हर किसी के पास तो गांव में आते जाते नहीं है और ना ही किसी हर किसी की समस्या समझ पाते हैं, मगर जब वोटिंग का समय आता है तो वो लोग आते हैं। मगर मोदी जी का एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का, उसके सामने ये नहीं टिक पाए, दोनों की टक्कर रहेगी। इस तरीके से देखते हैं क्या दोनों की टक्कर क्षेत्र में रहेगी, तो मेरे मानना से दोनों बड़े थोड़ा आगे पीछे रहेंगे। सर, डॉक्टर महेश शर्मा को कैसे देखते हैं, युवाओं को
ऐसे ठीक है, बढ़िया देखते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी और जो बीच की लहर है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, बढ़िया। देखिए समाजवादी पार्टी से जो महेंद्र नागर जी हैं, बराबर टक्कर लेंगे। हार जीत तो देखो समय पे पता चलेगी क्या होगा, लेकिन टक्कर बराबर की रहेगी। हो सकता है कि समाजवादी की कहीं ना कहीं जीत भी हो। 19 भी लड़ा उन्होंने और अब 24 भी लड़ रहे हैं। मुझे एक बात ये बता दो कि 19 और 22 24 तक एक बार भी आपके गांव में आए हो? किसानों का मुद्दा उठाया उन्होंने? किसानों की बात सुनी उन्होंने? युवा पहले से बीजेपी को वोट करता आया है, अब भी करेगा, पर कुछ नाराज है युवा। नाराज यू है कि जो हमारे सांसद जी हैं वो लोगों से मिलते नहीं है, यहाँ आते नहीं है, लोगों के संपर्क में कम रहते हैं, तो इस वजह से नाराज है। जो वो वोट मिलेंगी वो मोदी जी और योगी जी की वजह से यहाँ पे मिलेंगे उनको। हालांकि टक्कर रहेगी, जीत हो सकती है कि बीजेपी की हो यहाँ से, पर मतलब थोड़े युवा नाराज हैं बीजेपी से। जगह जगह लोगों की राय ली गई, लोगों से बात की गई, डॉक्टर महेश शर्मा को दोबारा यहाँ मौका मिला है। समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर को एक बार पहली बार मौका मिला है, तो लोगों में कहीं ना कहीं यही एक राय दी जा रही है, बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी बार डॉक्टर महेश शर्मा के लिए कहीं ना कहीं कठिन चुनाव रहेगा, पलड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी भारी रहेगा। अब इसमें देखना होगा पलड़ा किसका भारी होगा। आगे भी लोगों की राय लेते रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर से तरुण मराना, न्यूज स्टेट।